हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए दोस्तों पर्सनालिटी टू का बी। यदि आपने इसके पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी टू का भी। चलिए देखिए, इसमें पहले इसमें एक फार्मूला होता है, इसमें दिया रहेगा द्विघात बहुपद, ठीक है? देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक दोस्तों? यानी यहां कर दे देगा आपको एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक दोस्तों? जब भी क्वेश्चन आएगा आपको द्विघात के रूप में आएगा, या इसमें या दो पद दिए रहेंगे या तो तीन पद, ठीक दोस्तों? तो हमारा द्विघात बहुपद दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया रहेगा, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक दोस्तों? ये जो ए है ये जीरो के बराबर नहीं रहेगा, ठीक दोस्तों? तो चलिए हम इसके लिए इसमें समझ लेते हैं। पहले इस सूत्र से हमें दो फार्मूला मिलेगा, उसको निकाल लेते हैं। पहले मान लीजिए, माना इसके दो शून्यक क्या अल्फा और, ठीक है दोस्तों, अल्फा और क्या बीटा हैं, ठीक दोस्तों? इसके हमने दो शून्यक मान लिए हैं, पहला है अल्फा दूसरा क्या है बीटा है। तो सबसे पहले हम एक बार क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है? ये जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो सबसे उसमें बोला रहेगा उनका योग बताइए या तो गुणनखंड बताइए, ठीक दोस्तों? तो शून्यकों का सबसे पहले हम योग निकालेंगे, तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हमारा फार्मूला होता है दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक, ठीक दोस्तों? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है। इस इसी फार्मूले से हमें इसको हल करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे क्या है अल्फा है और क्या है बीटा है, यानी इनका योगफल, तो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, योगफल वाला जोड़ होता है, ठीक है दोस्तों? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस से माइनस लिखिए एक्स का गुणांक, यानी एक्स का है, देखिए यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स के पहले किसका क्या गुणांक है बी, तो क्या हो जाएगा बी, उसके बटे में क्या दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है दोस्तों आपको ए दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना निकलेगा दोस्तों ए। तो हमारा एक फार्मूला निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है दोस्तों? अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकल गया, अब हम शून्यकों का निकालेंगे गुणनफल। तो लिख लीजिए यहां पे शून्यकों का गुणनफल या गुणनखंड। तो सबसे पहले देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अचर पद, ये आपका फार्मूला था दोस्तों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है दोस्तों? यहाँ जो सी है ये हमारा क्या है अचर पद है, ये सी दिख रहा है ना आपको, तो सी क्या है दोस्तों अचर पद है, तो जहाँ अचर पद क्या हो जाएगा दोस्तों सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दिख रहा है ए। अब आपको पता है शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे शून्य क्या माने गए हैं, माना इसके शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो इनका हम क्या लिखेंगे गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकाल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर निकलेगा सी अपान ए। तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अगर शून्यकों का योगफल पूछेगा तो माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपान ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक लगाएंगे, और शून्यकों का योगफल अगर गुणनफल पूछेगा
तो अचर पद यानी सी का मान, जहाँ सी रहेगा वहाँ वाला जो मान दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जो आएगा इसके रूप में वही आपका इस चैप्टर में आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस लेवल के पहले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो सवाल पूछे गए देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले अब दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य यानी अल्फा और बीटा, हमें दो मान इसमें से शून्य ज्ञात करनी है, यानी यक्ष का मान ज्ञात करना होगा जो भी दिया रहेगा, उसके बाद इनके गुणांकों के बीच, ठीक है दोस्तों, ये शून्य निकलेगा था उनके गुणांकों के बीच की संबंध ज्ञात करनी है और उनकी सत्यता बतानी है, सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको सत्यता की जांच करने के लिए बोला है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप चौथा सॉरी पहले का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक दोस्तों, तो पहले का पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा आएगा तो आप यहाँ पर लिखिए हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट और बराबर हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, शून्य मानने के बाद अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड ऐसा पहाड़ा पढ़िए आप, पहाड़ा पढ़ने पर आठ आए, जोड़ने घटाने पर दो आए। तो देखिए दोस्तों, चार दूनी आठ और चार में से अगर हम दो घटा देंगे तो दो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस चार दूनी तो चार एक्स माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो हो जाएगा। देखिए अगर चार दूनी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और चार में से दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये चार दूनी आठ और चार में से दो गया दो। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए, लास्ट वाला अचर पद आ जाए और फिर ऐसा जोड़िए घटाइए, मध्य पद हमारा आ जाए। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कोष्टक बचेगा एक्स माइनस चार प्लस, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, दो, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, दो। कोष्टक बचेगा एक्स और दो चौके आठ, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कोष्टक में, चार बराबर जीरो। अब आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, जब भी हम कॉमन लेंगे दोनों कोष्टक में वही अंक आना चाहिए, वही दिया रहना चाहिए, वही पद आना चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर मिल रहा है तो एक्स माइनस फोर को हम कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस क्या लिख देंगे, टू बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स का दो मान निकलेगा, तो पहले हम एक्स माइनस चार बराबर क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक दोस्तों, एक्स माइनस चार बराबर जीरो मानेंगे तो एक्स बराबर निकालेंगे कितना निकलेगा, इधर इस तरफ माइनस में बराबर उस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, चार निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एक्स प्लस टू बराबर भी जीरो है, दोनों के बराबर अलग अलग जीरो मानेंगे तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, माइनस दो, तो शून्य के इसके दो गुणांक निकलेंगे। ठीक दोस्तों, कितने गुणांक निकलेंगे, दो गुणांक, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ के दो शून्य निकले, क्या क्या निकले उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है, के शून्य क्या क्या निकले हैं, पहला निकला है चार और क्या निकला है, माइनस दो। ठीक है, चार और माइनस दो हैं, यानी इसके दो कितने शून्य निकले, दो शून्य निकले, पहला निकला चार और दूसरा निकला माइनस दो हैं। अब हमें बोला सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया था इसको लिख लीजिए, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर यहाँ पहले लिख लीजिए, सत्यता की जाँच कीजिए, तो लिखिए सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम समीकरण को पहले फिर से लिख देंगे, तो समीकरण क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक दोस्तों, इतना जो समीकरण दिया रहेगा उसको लिख देंगे, लिखने के बाद आपको क्या करनी होगी, चलिए हम बताते हैं, जब सब आप ना लिख दीजिए तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से ए बी और सी का मान निकालिए। हम आपको इस सूत्र शुरू में बताए हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर को पहले जो मान दिया होता है वो ए का मान होता है। ठीक है, तो इसके पहले किसका मान दिया है, ए, तो ए बराबर कितना निकलेगा,
एक, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो एक, यहाँ बी बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, माइनस दो, चिन्ह के साथ आपको लिखनी है ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस दो, और सी बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा माइनस आठ, यहाँ ये अचर पद है तो सी का मान हो जाएगा माइनस आठ ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बताएं शून्य, आपको क्या बोला है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे शून्यकों का योगफल, लिखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अगर निकाला जाए तो शून्यकों का पहला कितना आया है चार, तो यहाँ लिखेंगे चार और प्लस, योगफल में क्या लगता है प्लस, और दूसरा क्या है माइनस दो ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, चार को ऐसे रहने देंगे प्लस माइनस, माइनस दो हो जाएगा और चार में से दो घटे कितना आएगा दो ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया दो। अगर हम सूत्र से हल करें इसको तो शून्यकों का योगफल देखिए यही निकालना है आपको, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए, अभी आपको फार्मूला शुरू में बताया गया ठीक दोस्तों, ये शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो देखिए माइनस बी, माइनस माइनस दिया माइनस लिख लीजिए, बी का मान कितना निकला है माइनस दो ठीक दोस्तों। यहाँ देखिए आप बी का मान कितना निकला है माइनस दो, तो यहाँ क्या रख देंगे हम माइनस कोष्टक में दो रख देंगे बटे, अब क्या है ए, नीचे कितना है माइनस बी अपान ए, तो ए का मान कितना है एक, नीचे हम क्या रख देंगे दोस्तों एक, देखा जाए अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दो। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल साधारण तौर पे ऐसे दो भी निकला, सूत्र के माध्यम से भी दो निकला, यही हमें सत्यता यही इसी तरीके से ज्ञात करनी है ठीक दोस्तों। अब आप निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, पहले इनका गुणा हो जाएगा, गुणनफल मतलब गुणा हो जाएगा, तो शून्य को शून्य क्या निकले हमारे, पहला निकला है चार और दूसरा निकला है माइनस दो, तो चार गुणते क्या कर देंगे माइनस दो। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, तो चार दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आठ, माइनस आठ निकलेगा ठीक है। अब इसी को फार्मूले के तौर पर हल करेंगे, शून्य को का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल लगाएं अगर निकालेंगे तो क्या होता है दोस्तों c अपान a, फार्मूला ये होता है c अपान a, तो c का मान कितना दिया देखिए यहाँ पे माइनस आठ, तो माइनस आठ रखेंगे बटे a का मान एक है, नीचे एक की वैल्यू नहीं होती ठीक दोस्तों, तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस आठ। देखिए शून्यकों का गुणनफल अगर साधारण तौर पर निकालें तभी माइनस आठ आया, सूत्र से निकालें तभी माइनस आठ आया, यानी सत्यता की जांच यही करनी थी कि बराबर आ रहा है या नहीं, तो हमारा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। शून्यकों का योगफल साधारण तौर पर निकालें तब दो आया, शून्यकों का योगफल निकाले फार्मूले से तब भी दो आया, तो हमारा यह क्या सत्यता की जांच हो गई ठीक दोस्तों। देखिए साधारण तौर पर निकाले तब भी दो आ रहा है इसका योगफल, और क्या फार्मूले से निकाले तब भी योगफल इसका क्या आ रहा है दो आ रहा है, तो उसके गुणांकों शून्यकों में क्या सत्यता संबंध में सत्यता ज्ञात करनी थी, तो यह हो गई सत्यता ठीक दोस्तों, बराबर आ रहा है संबंध ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का दूसरा, देखिए दोस्तों पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ठीक है दोस्तों। अब आपको इसको हल करनी है और इसमें आपको पहले क्या निकालना है, शून्यक निकालना है ठीक है, पहले इसका क्या निकालना है शून्यक ज्ञात करना है, फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हुआ पहले का पहला हुआ, ऐसे पहले का दूसरा भी होगा ठीक है, पहले का तीसरा भी होगा ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम हल कर लेते हैं, देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं पहले का दूसरा, तो सबसे पहले आप इसको हल करिए ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे हल, हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे इसको लिख लीजिए डायरेक्ट 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ठीक दोस्तों। अब बराबर में आप क्या मान लेंगे इसके, जीरो मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए जो एक्स स्क्वायर के पहले अंक रहता है उसका हम लास्ट में क्या करते हैं गुणा, तो चार का गुणा हम किस में करेंगे एक में, तो यदि हम चार का गुणा एक में करेंगे तो चार एक का कितना आएगा चार, तो चार को लिखना नहीं है मन में लिए रहना है ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, अगर हम यहाँ पे क्या करें चार का यहाँ पे गुणा करें ठीक है, तो चार एक का कितना आएगा चार,
यहाँ पे लिख देना है, लेकिन लिखना नहीं होता दोस्तों, आपको लिखना नहीं है, हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे चार का कितना हो जाएगा, चार, और चार को आपको मन में लिए रहना है, लिखना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा, अब यहाँ देखिए चार हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, चार। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे चार आए और जोड़ने घटाने में कितना है, चार आए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं, तो दो दूनी चार और दो दो चार, ठीक है दोस्तों। तो इस फार्मूले से हम इस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहला जो रहेगा फोर एस स्क्वायर, उसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये फोर एस है, ठीक है दोस्तों। माइनस क्या लिखेंगे, टू एस माइनस टू एस, देखिए टू एस जोड़ेंगे अगर, ये एस है, अब टू एस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फोर एस, और दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, ठीक है। और लास्ट में कितना है, प्लस वन, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये चार को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ये लास्ट में एक है तो एक ही को लिखना है। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले जब ऐसा हो जाए तो आप दो दो का क्या बना लेंगे, जोड़ा। गुणनखंड करने के बाद आपको ध्यान देना है हमें जोड़ा बनानी है, तो दो दो का यहाँ पे आपको जोड़ा बना लेना है। दो दो का जब जोड़ा बन जाएगा तो इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ फोर एस स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस टू एस है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें से टू एस क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो टू एस को क्या कर लीजिए आप, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, दो दूनी चार, दो बचेगा, एक एस से एक एस कट जाएगा तो एक एस बचेगा, तो टू एस हो जाएगा, माइनस टू से टू कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, बचे कितना दोस्तों, वन। तो ठीक दोस्तों, क्वेश्चन क्या चाहिए, टू एस माइनस वन, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं ना, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन ले लीजिए और एक लीजिए, जहाँ कुछ भी नहीं कॉमन दिखे दोस्तों वहाँ पे क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टू एस और प्लस वन, ठीक दोस्तों, और बराबर आप क्या मान लीजिए, जीरो। अब देखिए क्या करना है, टू एस माइनस वन और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2s माइनस वन और 2s माइनस वन दोनों में मिल रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे आप, कॉमन कर लेंगे, तो 2s माइनस वन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अगला 2s माइनस वन, ठीक है, और पूरे के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, शून्य ज्ञात करनी है ना, तो सबसे पहले अलग अलग फल ले लेंगे, तो 2s माइनस वन बराबर हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे किसकी मान निकालनी है, यस की, इसके पहले वाले सवाल में x दिया था तो x का मान निकाले थे, लेकिन इसमें s दिया है तो हम s का मान निकालेंगे, ठीक दोस्तों। तो हम 2s बराबर निकालेंगे, तो 1 इस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, इस तरफ माइनस में था, इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो s बराबर निकालेंगे तो दो कहाँ जाएगा, बटे में, तो एक बटा कितना निकल जाएगा दोस्तों, दो। तो एस का मान कितना निकला यहाँ पे, एक बटा दो। इधर भी हल कर लेते हैं, अब क्या होगा, 2s माइनस वन बराबर क्या है, जीरो, इसमें भी s, तो क्या निकलेगा, 2s बराबर क्या हो जाएगा, एक निकल जाएगा, माइनस में इधर आया किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में। s बराबर निकालेंगे तो s बराबर निकालेंगे तो एक बटा कितना आ जाएगा, दो। तो यानी हमारा दो मान निकला s का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस वन का क्या, शून्यक, शून्यक बराबर क्या है, पहला क्या निकला, एक बटा दो, और एक बटा दो है, ठीक है दोस्तों। हमारे दो शून्यक निकले, पहला एक बटा दो और फिर एक बटा दो निकला, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया था उसको लिख लीजिए, तो क्या दिया था, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, हमें सत्यता की जांच करनी है तो यहां लिख दीजिए सत्यता की, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है दोस्तों। सत्यता की अभी हमें क्या करनी है, जांच करनी है, तो सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिख दीजिए, उसके बाद यहां से a b और c का मान निकालिए, तो a बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 4, b बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4, और c बराबर निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1, ठीक है। चिन्ह के साथ हमेशा मान को जब भी लिखेंगे तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच तो आप कर ही रहे हैं, ए बी सी का मान निकल गया, अब सबसे पहले लिखिए शून्यकों का योगफल साधारण तौर पर, ठीक है, तब उसके बाद फार्मूला से निकालेंगे। तो यहां पे लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल पहले क्या निकला है, एक बटा दो, तो लिखिए यहाँ पे एक बटा दो प्लस, फिर कितना निकला है, एक बटा दो लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, योग में जोड़ होता है, जोड़ देते हैं, तो नीचे दो दो समान है तो नीचे दो ही रहेगा,
ऊपर एक एक कितना हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा, ठीक है। तो दो एक का दो, यानी हमारा शून्यकों का योगफल कितना आ गया दोस्तों, एक आ गया। अब हम सूत्र के तरीके से निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग फल। तो शून्यकों का योगफल आप किससे निकालेंगे, फार्मूले से। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है दोस्तों, माइनस बी अपान ए। अब क्या करेंगे, माइनस बी, तो माइनस यहाँ रहेगा ही, बी का मान कितना है माइनस चार, बटे ए का मान कितना है, यहाँ देखिए निकला है चार, तो यहाँ क्या लिख देंगे नीचे चार। अब देखा जाए तो माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे चार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चार बटे, अब ये कितना है नीचे चार, तो चार से कट जाएगा चार, तो चार एक का चार, यानी कि कितना मान आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर इस तरह साधारण तौर भी एक आया और फार्मूले से भी एक आया, तो सत्यता सत्य है यहाँ पे। अब हम क्या निकाल लेंगे, योगफल का सत्यता सत्य हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणन फल, तो शून्यकों का गुणन फल बराबर दोस्तों होता है सी अपान ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले आप दोस्तों यहाँ पे फार्मूले से मत लगाइए, या तो फार्मूले से लिख दिए तो फार्मूले से लिख लीजिए, शून्यकों का गुणन फल तो सी अपान ए होता है, तो सी का मान देखा जाए कितना आएगा एक, और ए का मान कितना है फोर, तो कितना आ गया एक बटा चार। अब साधारण तौर पर देखें तो शून्यकों का गुणन फल, तो शून्यकों का गुणन फल इसमें निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, शून्य पहले कितना दिया एक बटे दो दिया है, फिर गुणा करेंगे कितना एक बटे दो, तो एक में ऊपर गुणा जब भी होता है भिन्नों का, तो ऊपर ऊपर होता है नीचे नीचे का होता है, एक में एक का गुणा करेंगे एक आ जाएगा, और दो दोनी कितना आ जाएगा चार। तो देखा जाए दोस्तों शून्यकों का योगफल देख निकाला गया साधारण तौर पर एक आया, शून्यकों का योगफल निकाला गया फार्मूले के से तो एक आया, तो सत्यता की जान देखिए इसमें सत्य है, बराबर आ रहे हैं योगफल में। अब शून्यकों का गुणनफल निकालें, फार्मूले से तो एक बटा चार आया, साधारण तौर पे गुणनफल निकालें तो एक बटा चार आया, यानी तो यहाँ भी सत्यता क्या है दोस्तों, सत्य है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा देखिए दोस्तों, पहले का तीसरा दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और माइनस सेवन एक्स, ठीक है दोस्तों। जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले हम सवाल को बनाएंगे, देखिए यहाँ पे x को बाद में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सिक्स एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए माइनस सेवन एक्स को पहले कर दीजिए और माइनस थ्री को क्या कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, चलिए अब हल करते हैं। हल, तो हल में क्या लिखेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है दोस्तों। शून्य मानने के बाद आपको इसका गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर के पहले, तो एक्स स्क्वायर के पहले कितना दिया है, सिक्स दिया है, तो सिक्स का हम ले जाके लास्ट में क्या कर देते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं थ्री में, तो सिक्स का अगर हम गुणा थ्री में करेंगे तो छत्री कितना हो जाएगा, अठारह। अठारह को लिखना नहीं है आपको, हम बताने के समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा अठारह। अठारह जो है, अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे सात आए मतलब अठारह आए, जोड़ने घटाने, जोड़ने या तो घटाने पर कितना आया दोस्तों, सात आए। तो देखिए नौ दूनी अठारह और नौ में से अगर हम दो घटा दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस टू एक्स। अब यहाँ प्लस क्यों लगा पता है दोस्तों, क्योंकि नौ में से तभी दो घटेगा, अगर माइनस माइनस हो जाएगा जुड़ जाएगा, नौ तो ग्यारह हो जाएगा, लेकिन ग्यारह यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या किए, प्लस कर दिया। तो नौ में से जब प्लस कर देंगे दो घटेगा तो कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा, और लास्ट में अठारह नहीं लिखनी है दोस्तों, तीन लिखनी है, तीन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम यहाँ पे दो दो का क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जोड़ा बना लेना होता है, देखिए इन जोड़ा में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो देखिए यहाँ हमको यहाँ x है, यहाँ कितना है छः, तो तीन से क्या हो जाएगा, छः भी कट जाएगा और तीन से नौ भी कट जाएगा, यानी हमारा क्या यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तीन दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हमेशा छोटा वाला कॉमन होता है, छोटा कौन है, x स्क्वायर है कि x, तो x छोटा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। अब तीन दूनी छः
एक्स एक्स कटेगा एक एक्स बच जाएगा, तो एक्स लिख लेंगे माइनस, तीन त्रिका नौ, तीन बचेगा एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यानी एक्स तो वहाँ नहीं लिखा जाएगा। प्लस अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं ना, जहाँ कुछ नहीं कॉमन दिखेगा तो वहाँ हम क्या कॉमन करेंगे दोस्तों, वन कॉमन कर लेंगे। तो अब यहाँ क्या बचेगा, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में दोनों समान आया दोस्तों, अगर समान आया तो आपने गुणनखंड सही किया है, तो टू एक्स माइनस थ्री और टू एक्स माइनस थ्री दोनों में समान बराबर आया, यानी हमारा गुणनखंड जो है वो सत्य है अभी, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, इन दोनों को लिख लेना है, तो टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री एक कोष्टक में हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगले कोष्टक में क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस वन और बराबर क्या, जीरो, ठीक है दोस्तों। अब डबल कोष्टक में आ गया, अब इसको एक 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 बार लिख लीजिए, बराबर जीरो मान लीजिए एक एक बार में, तो टू एक्स माइनस थ्री के बराबर हम क्या मान लेंगे, जीरो, ठीक दोस्तों। दोनों के बराबर जीरो है तो हम अलग अलग मान के यहाँ क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तीन को उस तरह पंचांतर करेंगे, तो टू एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, तीन, एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तीन बटे दो, ठीक है। यहाँ से एक्स का मान निकला, एक शून्य निकला, दूसरा शून्य के निकालने के लिए दूसरा गुणनखंड लेंगे, तो दूसरा गुणनखंड क्या है, थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, या एक को हम उस तरफ पंचांतर कर देंगे तो थ्री एक्स बराबर क्या निकलेगा, माइनस एक, क्योंकि इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। यदि हम यहाँ से एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस एक बटे तीन कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यहाँ एक्स का एक मान निकला क्या, माइनस तीन एक बटे तीन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक दोस्तों। लिखिए यहां पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस क्या, थ्री। अब यहां से आपको दोस्तों सबसे पहले काम करना होगा, ए बी और सी का मान निकालिए, ए बराबर कितना निकलेगा, सिक्स, बी बराबर माइनस सात और सी बराबर माइनस तीन, ठीक है दोस्तों। चिन्ह के साथ आपको मान लिखना है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका देखिए दो शून्य निकले ना, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री के शून्य, ठीक है। तो लिख देंगे कि पहले क्या निकला है, तीन बटे दो कामा माइनस एक बटे तीन, यही दो शून्य निकले ना, तो इसको लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, हैं लिख दीजिए, तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है दिया दोस्तों, पहले एक पहले तीन बटा दो को जोड़ दे, योगफल मतलब जोड़, तो तीन बटे दो प्लस, ये माइनस में दिया है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस एक बटे तीन। अब हम इसको क्या करेंगे, तीन बटा दो को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस माइनस माइनस एक बटा तीन। चलिए हल कर लेते हैं इसको, तीन त्रिक्का नौ और दो इक्का दो बटे दो तिहाई छः, ठीक दोस्तों। अब इसको हम घटा देंगे तो नौ में से दो घटे कितना बचेगा, सात, और नीचे कितना रह जाएगा, छः, ठीक है। यानी साधारण तौर पे कितना आया, शून्यकों का योगफल सात बटा छः। अब फार्मूले से देख लेते हैं, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अब निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लिखनी होगी माइनस बी अपान ए, यही इसका फार्मूला होता है। तो देखा जाए माइनस बी, तो बी का मान कितना दिया है, माइनस सात, तो पहले फार्मूले माइनस पहले से है, और बी का मान माइनस कितना हो जाएगा, सात, बटे ए का मान छः। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों माइनस में माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, बचेगा सात बटा छः। तो देखिए साधारण तौर पर सात बटा छः आया, और फार्मूले से भी कितना है, सात बटा छः आया। तो यहाँ पे सत्यता की योगफल, शून्यकों का योगफल भी सत्यता निकालनी थी, वो भी सत्य निकली। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालिए शून्यकों का गुणन फल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका गुणा कर देंगे जो शून्य निकले हैं। शून्य क्या निकला है, तीन बटे दो गुणते, दूसरा क्या निकला है, माइनस एक बटी तीन, इनका हम गुणा कर देंगे। जब इसका हम गुणा करेंगे तो तीन का माइनस से गुणा में हमेशा क्या होता है, ऊपर नीचे जो मिलता है वो कट जाता है, ठीक दोस्तों। तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस एक, और नीचे क्या बचेगा, दो बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों का
गुणनफल वो साधारण तौर पे, अब हम फार्मूले से देख लेते हैं वो इतना आता है कि नहीं आता, तो देख लीजिए शून्य को का गुणन फल, तो शून्य को का गुणन फल निकालेंगे तो क्या होता है सी अपान ए फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो सी का मान देखा जाए कितना दिया है, माइनस तीन दिया है, और ए का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए छः, तो लिख दीजिए ए का मान छः, तो तीन एक का तीन, तीन दूनी छः, तो क्या बचा दोस्तों माइनस एक बटे दो। तो देखिए यहाँ माइनस एक साधारण तौर पर माइनस एक बटा दो आया, और ऐसे भी माइनस एक बटा दो आया सूत्र से। ठीक है, तो अतः इसकी सत्यता जो है वो सत्य है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो का पहला, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। जो इसके पहले वाले में सवाल में करना था, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करना था, वही सेकेंड वाले में भी करनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही मान दिए रहे, दो ही पद दिए रहेंगे, तीसरा पद नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसको, 4u² और प्लस 8u। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो चलिए अब हम का हल कर लेते हैं। यहाँ लिखिए हल, हल में क्या लिखेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर में हम क्या मान लेंगे दोस्तों, शून्य मान लेंगे। ठीक है, ये u है, बराबर में शून्य मान लेंगे। शून्य इसलिए मानेंगे क्योंकि हमसे क्या क्या यहाँ पे शून्य पूछा है, तो सबसे पहले हम शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, दो ही पद दिए हैं, तो कॉमन क्या दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, तो 4u बराबर निकालेंगे। 4u कॉमन जब हो जाएगा तो कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ से चार कट जाएगा, यू से यू कटेगा, एक यू बचेगा। ठीक है, और 4 × 2 = 8, दो बचेगा, एक यू से एक यू कट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 4u बराबर 0 मानेंगे दोनों के, तो u बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 0, क्योंकि अगर हम 4 को बटे में ले जाएंगे 0/4 होगा, और उसमें भाग देंगे तब भी क्या आएगा 4 का, 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ u बराबर क्या निकल जाएगा, 0। अब यहाँ क्या मान लेंगे हम, u + 2 बराबर क्या मानेंगे, 0। यहाँ u बराबर निकालेंगे क्या निकलेगा दोस्तों, -2, तो हम इसके हमें दो शून्य निकले, तो लिख लीजिए सबसे पहले 4u² प्लस 8u के दो शून्य निकन के शून्य क्या क्या निकले, 0 और -2। ठीक है दोस्तों, हैं इसके दो शून्य निकले, हैं इसके दो शून्य क्या निकले, 0 और -2। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिख देना होता है सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए यहां लिखिए सत्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको पहले फिर से यहां लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 4u² और प्लस 8u। ठीक है, यहां से पहले हम ए बी और सी का मान निकालते हैं, तो ए का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 4, बी का मान 8, और सी का मान दिया ही नहीं था, यानी सी बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, अब हम फार्मूले से यहाँ पे इसको हल करेंगे। आपको पहले साधारण तौर पे निकालना है, सत्यता की जांच करनी है, उसके बाद फार्मूले से निकालना है, देखना है दोनों अगर बराबर आएंगे तो सत्यता की जांच सत्य है, अन्यथा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सत्यता की जाँच करने के लिए दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, अब हमारा क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग फल। तो शून्यकों का योगफल क्या है, पहला क्या दिया है, 0 + -2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि योगफल में जोड़ होता है, बी का यहाँ क्या दिया दूसरा, -2, ऐसे निकालेंगे तो 0 + -2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो साधारण तौर पे शून्यकों का योगफल क्या निकलेगा दोस्तों, -2। फार्मूले से देख लेते हैं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/ क्या होता है दोस्तों, a होता है। ठीक है, तो -b का मान कितना दिया है, 8, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, और a का मान कितना दिया है,
4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो माइनस ऐसे बचेगा 2। देखिए साधारण तौर पे भी योगफल कितना है, माइनस 2 आया, और क्या हुआ फार्मूले से भी माइनस 2, यानी सतता का शून्यकों का योगफल जो है कि सतता सत्य है। अब शून्यकों का गुणन फल भी देख लेते हैं, तो लिखिए शून्यकों का गुणन फल, शून्यकों का गुणन फल, तो सबसे पहले क्या करिए आप शून्य को गुणा निकालिए, कितना है 0 गुणते माइनस क्या हो जाएगा 2, इसका गुणा करेंगे दोस्तों 0 में, जब माइनस 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 0। किसी भी संख्या का अगर हम शून्य में गुणा करें तो शून्य ही हो जाता है, ठीक दोस्तों। अब हम शून्यकों का गुणन फल साधारण तौर से निकालें, कितना है 0 आया, फार्मूले से निकाल लेते हैं शून्य को का गुणन फल, तो शून्यकों का गुणन फल फार्मूला से क्या होता है सी अपान ए, फार्मूले में क्या होता है दोस्तों सी अपान ए, ठीक है। तो सी का मान कितना निकला है 0 और ए का मान 4, अगर हम 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक दोस्तों। तो अतः यह सतता की जांच हो गई आपको, गुणन फल साधारण तौर पे भी 0 आ रहा है और फार्मूले से भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, योगफल भी माइनस 2 आ रहा है और फार्मूले से भी माइनस 2 आ रहा है, अतः सत्यता की जांच हमें करने पर यह सत्य पाया गया, ठीक दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों दूसरा दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद आपको क्या करना है उस मान को लिख लेना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, हमें यहाँ से शून्य निकालना होता है, तो हम 15 को उस तरफ क्या करेंगे भेज देंगे, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15, इस तरफ माइनस में था इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम टी बराबर निकालेंगे, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इस क्या लग जाएगा प्लस माइनस, करड़ी के अंदर क्या लग जाएगा दोस्तों 15, ठीक दोस्तों। किसी भी संख्या से अगर स्क्वायर हटेगा अपने बराबर में उस तरफ लगेगा कर्णी के रूप में, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं प्लस और माइनस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो मान आएगा या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आ सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कर्णी के अंदर कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए आगे हल कर लेते हैं, तो यहां देखा जाए टी के दो मान निकले, एक प्लस कर्णी के अंदर 15 और एक क्या है माइनस कर्णी के अंदर 15, तो यहां लिखिए टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, तो इसके शून्यक क्या निकले हैं देखिए, पहला निकला है करणी के अंदर 15 कामा माइनस करणी के अंदर 15, दो मान निकले हैं। इतना लिख लेने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, पहले सूत्र वो सवाल क्या था उसको लिख लीजिए, क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15, इतना लिख लेने के बाद आपको यहां से हम क्या निकालते हैं ए बी और सी का क्या निकालते हैं दोस्तों मान निकालते हैं। ए बराबर निकाला जाएगा कितना आएगा ए, यहां बी नहीं दिया है, देखो बी हमारा किसके बगल होता है एक्स के, तो एक्स का गुणांक नहीं है, तो यानी टी का यहां टी होना चाहिए, टी का है ही नहीं, तो बी बराबर क्या निकलेगा दोस्तों शून्य निकलेगा, और सी बराबर क्या निकल जाएगा माइनस 15 निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, शून्यकों का यहाँ निकालना है दोस्तों, योगफल निकालना है, तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, साधारण तौर पर लिखिए पहले योगफल, सत्य यहां लिखना चाहे लिख दीजिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे शून्यकों का योगफल क्या होगा दोस्तों, पहले इसको जोड़ लेंगे, तो कर्णी के अंदर कितना है 15 और योगफल मतलब योग फिर क्या हो जाएगा माइनस कर्णी के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों 15, तो ये क्या हो जाएगा कर्णी के अंदर 15 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस कर्णी के अंदर 15, अब कर्णी के अंदर 15 से कर्णी के अंदर 15 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। साधारण तौर पे अगर शून्यकों का योगफल निकाला गया इससे तो क्या आया शून्य आया। अब हम फार्मूले से देख लेते हैं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल ऐसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस बी अपान ए होता है, तो ठीक दोस्तों माइनस बी का मान कितना है शून्य हो जाएगा और ए का मान एक, एक में शून्य का अगर हम शून्य में एक से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों शून्य, तो शून्यकों का योगफल फार्मूले से शून्य आया
और वैसे भी क्या साधारण तौर पे भी शून्य है, यानी शून्यकों का योगफल की जो सत्यता है आपस में ये क्या है सत्य है। अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालेंगे तो पहले शून्य क्या दिया कर्णी के अंदर 15 गुणते माइनस कर्णी के अंदर 15। ठीक दोस्तों, अगर कर्णी से कर्णी में जब भी गुणा होता है तो कर्णी हट जाता है समान अंक रहने पे, तो कर्णी हट जाएगा बचे कितना माइनस क्या हो जाएगा 15। ठीक दोस्तों, तो शून्यकों का गुणनफल अगर आपस में साधारण में गुणा किया जाएगा तो कर्णी हट जाता है क्योंकि दोनों पे कर्णी है और दोनों अंक क्या है समान है, तो समान में हमेशा कर्णी को क्या करते हैं हटा देते हैं। ठीक है, तो माइनस कितना बचेगा दोस्तों 15। अब शून्यकों का गुणन हम क्या निकालते हैं फार्मूले से निकाल लेते हैं, तो शून्यकों का गुणन फल, तो शून्यकों का गुणन फल निकालने के क्या होता है सी अपान ए, तो सी का मान कितना दिया दोस्तों माइनस 15 और ए का मान कितना है 1, तो नीचे कितना लिखेंगे 1। अब 15/1 नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ क्या हो जाएगा -15। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल -15 है फार्मूले से, असाधारण भी शून्यकों का गुणनफल कितना है -15, तथा शून्यकों का गुणनफल भी आपस में क्या है सत्य है, यानी इसकी सत्यता की जाँच हो गई। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे का तीसरा। देखिए दोस्तों दूसरे का तीसरा दिया है 3x² -x और -4। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको यहाँ क्या ज्ञात करनी है शून्यक ज्ञात करना है, फिर उनके बीच की शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की क्या निकालनी है सत्यता जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों हल लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हल लिख लेते हैं हल। अब क्वेश्चन जो दिया था उसको लिख लीजिए, क्या दिया था 3x² -x -4 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों शून्य मान लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ गुणा करेंगे, 3 का गुणा किस में करेंगे लास्ट में 4 में गुणा करेंगे, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। 12 आ गया, आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, हम समझाने के लिए यहाँ 12 लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो गुणा किया जाता है वो मन में ही लिए रहना होता है, लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर 12 है, जोड़ने घटाने पर 1 आए, तो 4 × 3 = 12 और 4 में से अगर 3 घटे कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए 3x² -4x +3x -4 = 0। ठीक दोस्तों, अब देखिए 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटे कितना चाहेगा 1, बगल में x है ही। अब हम 2 का क्या बना लेंगे दोस्तों जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ x कॉमन दिख रहा है, तो x को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ 3 बचा रहेगा, 1x कटेगा, 1x बचा रहेगा, माइनस 4 है 4 लिख लीजिए क्योंकि 1x कट जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं ना, 1 कॉमन करिए, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा वहाँ 1 कॉमन करेंगे। अब 1 का गुणा भाग करेंगे तो 3x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, बराबर क्या 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3x - 4 मिल रहा है, तो एक कोष्टक में लिख देंगे क्या 3x - 4, फिर अगले कोष्टक में लिख देंगे x + 1 = 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें 2 शून्यक मिलता है तो उसको निकाल लीजिए, तो x - 4 दिया है और यहाँ क्या दिया x + 1 = 0। तो पहले लिखिए 3x - 4 = 0। हम यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो 4 उस तरफ जाएगा तो 3x बराबर इस तरह माइनस में इधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है x बराबर निकालेंगे तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा नीचे 3 चलाएगा तो 4/3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो x का मान निकलेगा यहाँ पे 4/3। दूसरे का निकाल लेते हैं x + 1 = क्या मानेंगे 0, तो x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों -1। ठीक है दोस्तों, यह हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ, x बराबर होगा 4/3 और x बराबर -1/-1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लिख लेंगे 3x² -x - 4 के शून्य, तो शून्य हमारे इसके क्या निकले हैं लिख लीजिए, निकला 4/3 और -1 है। इतना लिखने के बाद अब आपको सबसे पहले क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको निकालना होगा शून्यकों का योगफल एंड शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
उसके संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे जो फार्म सूत्र जो ये क्वेश्चन दिया रहता है। तो क्वेश्चन क्या दिया था, 3x² - x - 4। ठीक दोस्तों, यहाँ से हम ए बी और सी का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो यदि हम यहाँ से ए और बी और सी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देख लीजिए, ए बराबर निकलेगा 3, बी बराबर निकलेगा -1 और सी बराबर निकलेगा -4। ठीक दोस्तों, चिन्ह के साथ हमेशा लिखना होता है, जब भी लिखना होगा। अब हम देख लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल हम साधारण तौर पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटा कितना निकला है, 3 और -1। ठीक दोस्तों, तो 4 3 1 का 3, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 बटे नीचे कितना, 3। घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। तो 1 बटा कितना आ गया, 3, साधारण तौर पे आया। ठीक दोस्तों, साधारण तौर पे कितना आ गया, 1/3। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल अब हम फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -b/a। तो -b, पहले देखिए b का मान क्या दिया है, तो b का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से -1, तो माइनस फार्मूले का लिखिए, फिर -b का 1 हो, ठीक है, b का मान -1। a का मान कितना दिया है, 3। तो यहाँ देखिए -, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और एक नीचे कितना है, 3। तो 1/3 देखिए साधारण तौर पर भी आ गया और फार्मूले से भी आ गया। ठीक दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणन फल, गुणन फल। तो बराबर 4/ कितना है, 3, और गुणा किससे करेंगे, -1 से। जब गुणा करेंगे तो 4 1 का 4, तो -4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम साधारण तौर पर इसको साधारण तौर पर निकाले हैं, अब हम इसको फार्मूले से निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणन फल बराबर, शून्यकों का गुणन फल बराबर c/, क्या होगा, a। तो c का मान कितना दोस्तों, -4, a का मान कितना है, 3। देखिए बराबर नहीं है, यानी सत्यता की जांच हो गई। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, यदि बहुपद 2x² + 3x + λ का 1 शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, अभी इसके पहले फार्मूले में जब सवालों में जब भी मैंने x का मान निकाला, तो वो जब भी कोई मान शून्य निकाला वो किसका मान था, x का। तो यानी यहाँ x का मान दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुपद आपका जो दिया उसको लिख लीजिए, बहुपद। तो बहुपद आपका क्या दिया है, 2x² + 3x + λ। ठीक दोस्तों, ये आपका दिया है। अब आपको क्या करनी है, इसमें से हमें x का 1 शून्य दिया है, यानी x बराबर कितना दिया है, 1/2, और हमें लैम्डा की क्या पूछा है, मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लैम्डा का यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम हल करते हैं और आराम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए आप हल, क्वेश्चन क्या दिया है लिख लीजिए, तो 2x² + 3x + λ। ठीक दोस्तों, और हमें लैम्डा की मान ज्ञात करते हैं, बराबर हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे। अब हमें देखिए x का मान कितना दिया, 1/2 दिया है, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो चलिए देखिए, 2 ऐसे ही रहेगा, x का मान कितना है, 1/2, और पूरे की स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 3 है, 3 लिखिए, x का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 1/2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2, और प्लस क्या, लैम्डा बराबर 0। ठीक दोस्तों, हमें यहाँ पे लैम्डा की मान ज्ञात करनी है, तो 2 को ऐसे रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 1 का 3/2, प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए 2 1 का 2, 2 2 4 कट गया, तो यहाँ बचा 1/2 और प्लस 3/2, प्लस लैम्डा बराबर 0। इसका नीचे क्या है, हर समान है, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा,
तो एक नीचे कितना हो जाएगा, दो, और एक प्लस तीन कितना हो जाएगा, चार। ठीक दोस्तों, जब हर समान रहता है तो अंश हमेशा क्या होते हैं, जोड़ रहता है, जुड़ जाता है, घटाना रहता है तो घट जाता है। प्लस लेमडा बराबर क्या, जीरो। हमें लेमडा की मान ज्ञात करनी है, तो दो दूनी चार, तो टू प्लस क्या बचेगा दोस्तों, लेमडा, दो से दूनी चार, दो यानी कट जाएगा, और लेमडा बराबर जीरो। हमें यहाँ पे लेमडा की मान ज्ञात करनी है, तो लेमडा बराबर निकालेंगे तो यहाँ दो इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा, दो। तो लेमडा बराबर निकलेगा दोस्तों माइनस दो। ठीक दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट में थ्री एक्स प्लस थ्री के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, जो सबसे पहले बोला रह करेगा उसको आप लिख लिया करिए। ठीक है, हमारा सबसे पहले काम होता है क्वेश्चन को लिख लेना। तो बहुपद क्या दिया, पहले उसको लिखिए। यहां दिया है बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या दिया है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट में थ्री बगल में एक्स प्लस थ्री के शून्य क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, और मान किसकी ज्ञात करनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसी का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मान ज्ञात करनी है। अगर देखिए इसमें से अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाए तो हम इसमें इस पूरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका मान निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो इनका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला आपको बता ही चुके हैं, उस फार्मूले में रखकर हम उसका मान निकालेंगे। तो पहले देखा ए बराबर कितना निकलेगा, एक, बी बराबर निकालेंगे तो माइनस फोर रूट में थ्री, और सी बराबर कितना निकलेगा, तीन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इतना हल करने में करने के लिए इतना हम मान वहाँ निकाल लेंगे। मान जब निकल जाएगा तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी शून्य किसके क्या बोले हैं, अल्फा और बीटा है। तो शून्य का अल्फा और बीटा का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपान ए। शून्यकों का योगफल का फार्मूला यही होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक दोस्तों, तो माइनस बी, बी का मान कितना दिया है, माइनस फोर रूट में थ्री अपान ए का मान वन, तो वन का नीचे वैल्यू नहीं होता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, बचेगा फोर रूट में थ्री। ठीक दोस्तों, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अब निकालेंगे गुणनफल। तो लिखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या है मेरे, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुणनफल इनका गुणा हो जाएगा। शून्य हमारे हैं अल्फा और बीटा है, तो इनका गुणनफल क्या निकलेगा, सी अपान ए। तो सी का मान कितना दिया दोस्तों, तीन दिया है, और ए का मान एक, तो नीचे जो है एक की वैल्यू नहीं होती है, अर्थात यहाँ क्या लिख लेंगे, थ्री लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, अब हमें किसकी मान ज्ञात करनी है, लिख लीजिए उसका, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, इसी का मान ज्ञात करना है, तो इसको लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया है, फोर रूट में थ्री माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, थ्री। ठीक दोस्तों, अब इसके आगे इसका कोई हल नहीं दिख रहा है, तो आप यहीं पे क्या कर दीजिए, इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है आपसे, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक आपको क्या दिए हैं, p स्क्वायर, और इसके पहले वाले सवाल में दिया था आपका शून्यक जो था अल्फा बीटा था, लेकिन इसमें जो शून्यक दिया है p और क्या दिया है, q दिया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है पांचवा दिया है बहुपद, बहुपद, बहुपद लिख लीजिए। बहुपद क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। ठीक दोस्तों, अब बहुपद दिया है और इसके शून्यक p तथा q दिया, मान किसका ज्ञात करना है, p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आसान तरीके से हल कर लेते हैं।
सबसे पहले आप इसको हल लिखिए, यहाँ लिखिए दोस्तों हल। हल में क्वेश्चन कितना दिया लिख लीजिए, 2x² - 7x + क्या 3। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था वही सेम सेम करिए। यहाँ पे पहले a का मान निकालिए, तो a बराबर कितना निकलेगा 2, b बराबर -7 और c बराबर 3 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको शून्यकों का क्या निकालना है, योग। लिखिए शून्यकों का योग फल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्य इसमें क्या बोला है p और क्या है q है, तो p प्लस क्या कर देंगे q। इसके शून्य दो p और q हैं, तो शून्य का योग क्या हो जाएगा p प्लस q हो जाएगा, बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a। ठीक है दोस्तों, तो -b माइनस ऐसे ही रहेगा, b का मान कितना दिया -7/a का मान 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7/ कितना निकलेगा दोस्तों 2 निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, शून्यकों का योगफल निकल गया, अब शून्यकों का निकाल लीजिए गुणनफल। तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। ठीक दोस्तों, तो c का मान कितना है 3 और a का मान यानी गुणनफल अल्फा इंटू क्या p/q। p इंटू q बराबर क्या निकलेगा c/a होता है, तो c/a क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, a का मान कितना है 2। तो यहाँ से p प्लस q का मान निकल गया 7/2, p इंटू q का मान निकल गया 3/2। ठीक है दोस्तों, इतना जब मान निकल जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, p² + q² का मान ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है p + q² बराबर सूत्र लिखिए, क्या हो जाएगा p² a² + b² देखिए a + b² का फार्मूला बन रहा है, तो इसको उस फार्मूले में तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा a² p² + b² यानी q² + 2ab, a का मतलब p और b का मतलब q। ठीक दोस्तों, अब इसको इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करनी है, जो मान निकला उसको रख दीजिए। आप देखिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या निकला है उसको देखिए, तो शून्यकों का योगफल क्या है 7/2, तो p + q का मान कितना निकला 7/2, 7/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए p² + q² का मान ज्ञात ही करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए प्लस 2 × p q का मान कितना निकला 3/2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49 और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4। इधर ऐसे ही रहेगा p² + q² क्योंकि इसका मान ही ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना 3। ठीक दोस्तों, हमें p² + q² का मान ज्ञात करना है, 3 को उस तरह पंचांतर कर देंगे, तो p² + q² बराबर निकालेंगे तो 49/4 और 3 उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए p² + q² बराबर निकालेंगे तो 4 × 12 यानी 49 - क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो p² + q² बराबर निकालेंगे तो 49 में से 12 घटाएं कितना आ जाएगा दोस्तों 37 और बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आपसे, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको आप लिख लीजिए और इसमें जो शून्यक था वो बदल दिया है, शून्यक का नाम क्या रख दिया m और n रख दिया। ठीक है, सबसे पहले इसके इसके पहले वाले सवाल में pq था, उसके उससे पहले वाले सवाल में अल्फा बीटा था, तो अब इसमें m और n दिया है। तो लिखिए छठवें का बहुपद क्या है, बहुपद, तो इसका बहुपद दिया आपका 3x² + 11x - 4। ठीक दोस्तों, और इसका बहुपद क्या दिया है, m तथा n दिया है और मान किसका ज्ञात करना है m/n + n/m का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसको अब हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, जो दिया गया उसको लिख लीजिए और इसमें से हमें a b c का हमेशा क्या करना होता है, मान निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए हल,
ए का मान निकालेंगे कितना निकलेगा 3, बी का 11 और सी का -4। ठीक है दोस्तों, मान निकल गए यहाँ पे। अब क्या करनी है, शून्य को का पहले योग निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए शून्य को का योग, योग मतलब शून्य का आपका क्या है m प्लस m और n है, तो m प्लस क्या हो जाएगा n बराबर -b/a। ठीक दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए -b का मान कितना है 11, तो 11 हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा, और a का मान कितना 3। ठीक दोस्तों, -11/ कितना निकल जाएगा 3। अब हम क्या निकालेंगे शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणन फल, तो शून्य को गुणन फल क्या हो जाएगा m इंटू n बराबर क्या निकलेगा फार्मूला c/a। तो c का मान कितना है -4/a का मान कितना है दोस्तों 3, तो -4/ क्या निकल जाएगा मान इसका 4/3। ठीक है दोस्तों, -4/3। अब आपको क्या करनी है, फार्मूले में इसको रख देना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम इसका बनाएंगे, m/n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए m/n + n/m, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। अगर m का m में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा m² और n का n में होगा तो n² और नीचे क्या आ जाएगा mn। ठीक दोस्तों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए, अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे m, इसको हम लिख सकते हैं m+n² - 2mn। अगर इसको हम फार्मूले में तोड़ेंगे तो m² + n² आ जाएगा और प्लस क्या 2mn, प्लस 2mn और यहाँ -2mn से कट जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा mn। ठीक दोस्तों, अब इसको हम हल कर लेते हैं। m+n का मान निकला था 11 -11/3 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर -2mn, m का मान कितना mn का मान निकला -4/3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे यहाँ पे सीधे mn का मान निकला -4/3। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। हल करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्रह में कितना आ दोस्तों 121 आ जाएगा और नीचे कितना है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 2 = 8 कितना हो जाएगा 3 और पूरे बटे -4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर इसको हल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, ऊपर 9 लेंगे तो 121 ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि 9 से 9 काटेंगे तो 121 ऊपर ऐसा ही रह जाएगा। 3 × 9 = 3 आएगा, 3 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना चाहिए -4/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 से कट जाए, हमेशा बटे का बटा कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर, तो 121 + 24 ऐसे रहने दीजिए और बटे में कितना 9, अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो यानी 3/ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काट दिया, 3 × 9 कट गया, ऊपर वाला कितना जोड़ेंगे 4 कितना हो जाएगा 5 और 2 × 2 = 4, ऊपर 145 आ जाएगा और नीचे 4 × 3 = 12 यानी -12, तो 145 - 12 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, बहुपद कितना दिया है लिखिए, बहुपद जो दिया उसको लिख लीजिए, बहुपद दिया x² - 3। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो इसके दूसरे वाले सवाल में आप करते चले आए थे दूसरे क्वेश्चन में, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है दोस्तों, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, लिख देना x² - 3 = क्या मान लेंगे शून्य मान लेंगे, 3 को उस तरह पंचांतर कर देंगे तो x² = क्या निकलेगा इस तरह माइनस में इधर जाए किस में हो जाएगा दोस्तों प्लस में। ठीक है, अब किसी भी संख्या से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या होता है प्लस माइनस लग के कर्णी लग जाती है, तो यानी कर्णी कितना हो जाएगा +3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए x का 2 मान निकला, एक प्लस में एक क्या निकला माइनस में,
यानी प्लस करने के अंदर तीन और माइनस करने के अंदर तीन। अब हम यहाँ से लिखेंगे, यानी शून्य को के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के क्या निकलेंगे के शून्य बराबर कर्णी के अंदर तीन कामा माइनस कर्णी के अंदर तीन। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको सत्यता की जांच करनी है, तो लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिखने के बाद यहां से लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। यहां से अगर ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा एक और बी बराबर जीरो, सी बराबर कितना निकलेगा दोस्तों माइनस तीन, क्योंकि b बराबर जीरो इसलिए निकलेगा यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, अचर पद दिया और x स्क्वायर का गुणांक। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो जाएगा कर्णी के अंदर तीन माइनस प्लस और माइनस दिया है तो माइनस कर्णी के अंदर तीन, तो इसको ऐसे रहने दीजिए कर्णी के अंदर तीन प्लस माइनस माइनस कर्णी के अंदर तीन, कट के क्या आ जाएगा दोस्तों शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूले से देख लेते हैं, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो माइनस बी का दिया है मान शून्य, ए का मान दिया एक, तो ए शून्य में वन से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा शून्य। ठीक है दोस्तों, तो साधारण तौर पर हमारा कितना आया शून्यकों का योगफल शून्य, और शून्यकों का योगफल फार्मूले से भी शून्य, यानी सत्यता की जांच इसमें क्या निकली योगफल में सत्य निकली। अब हम शून्यकों का क्या देख लेते हैं गुणनफल, लिखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा रूट में थ्री इंटू माइनस रूट में थ्री। अब माइनस यहाँ से कर्णी से कर्णी गुणा करेंगे तो कर्णी घट जाएगी, बचेगा सिर्फ कितना दोस्तों माइनस थ्री। ठीक है, जब समान अंक रहता है दोनों समान अंक कर्णी में रहते हैं तो यहाँ जब कर्णी का गुणा होता है तो कर्णी से कर्णी क्या होती है दोस्तों हट जाती है, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा माइनस थ्री। अब हम यहाँ से साधारण तौर पर कितना है माइनस थ्री, अब हम फार्मूले से देख लेते हैं, तो लिखिए शून्यकों का गुणन फल तो क्या होता है सी अपान ए। ठीक दोस्तों, तो सी का मान कितना दिया है माइनस थ्री दिया है, यहाँ देखिए सी का मान कितना दिया है माइनस थ्री, ए का मान एक, तो माइनस कितना आ जाएगा थ्री। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल माइनस थ्री आया साधारण तौर पे, और फार्मूले से भी कितना है माइनस थ्री, तथा तो सत्यता की जांच जो हुई वो सत्य हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेंगे, बहुपद क्या दिया आपका 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालिए शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे पहले इसको सीधा बनाएंगे, तो हल लिखिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस में पहले इसको हम प्लस में बनाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस को पहले इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, इसमें से माइनस कामन लेंगे, जब माइनस कामन लेंगे और बराबर में क्या मान लेंगे दोस्तों शून्य, माइनस कामन लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या 2x और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 48 बराबर जीरो, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो क्या हो गया प्लस में। ठीक है, माइनस होकर हम शून्य के पास भेज देंगे तो शून्य हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर जीरो, क्योंकि किसी भी अंक चिन्ह का या तो अंकों का अगर शून्य में गुणा होता है तो वो शून्य ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का हम किस में गुणा कर देंगे शून्य में, तो वो शून्य हो जाएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने में कितना है 48 आए और जोड़ने घटाने में कितना है 2 आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, अब कितना है 8 6 48 और 8 में से अगर हम 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 8x प्लस 6x माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से दो दो का क्या बना लेंगे जोड़ा बना लेंगे, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसमें क्या कॉमन है एक्स, जब एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा और यहाँ माइनस 8, यहाँ से एक्स तो बाहर हो गया
प्लस सिक्स यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस माइनस माइनस आठ छः अड़तालीस, यहाँ कितना आ जाएगा आठ बराबर जीरो। तो दोनों कोष्टक मिल रहा है ना दोस्तों, तो इसको एक साथ लिख लीजिए एक्स माइनस एट, अगले कोष्टक में एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे एक्स माइनस एट बराबर क्या मान लेंगे जीरो, एक्स बराबर क्या निकलेगा एट। ठीक दोस्तों, यहाँ एक्स का मान कितना निकला एक शून्य, कितना निकला आठ। अब हम यहाँ मान लेंगे एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो मानेंगे, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा माइनस सिक्स, दूसरा शून्य क्या निकला माइनस सिक्स निकला। ठीक दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले जब इस शून्य ज्ञात कर दिया कर लिए, तो उसमें आप लिख दीजिए 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य, तो इसके शून्य क्या निकलेंगे 8 कामा माइनस 6। ठीक है, इसके दो शून्य निकलेंगे। अब आपको क्या करनी होगी, शून्य निकल जाए जब तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया था 48 प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सत्यता की जांच में सबसे पहले देखा जाए तो a का मान, a का मान कितना निकलेगा माइनस एक, क्योंकि x स्क्वायर गुणांक क्या होता है a, और b x का गुणांक क्या होता है b, तो b बराबर क्या निकलेगा दो, और c बराबर कितना निकलेगा 48। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से आप निकालिए शून्यकों का योगफल। सबसे पहले लिखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना क्या निकला है आठ निकला है प्लस माइनस छः निकला है। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ घटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आठ प्लस माइनस माइनस छः बराबर कितना आ गया दो, साधारण तौर पे कितना आ गया दो। अब हम फार्मूले से देख लेते हैं शून्यकों का योगफल, तो लिखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या निकलेगा यहाँ से माइनस बी अपान क्या होता है ए। ठीक दोस्तों, तो माइनस बी यानी माइनस बी के माने माइनस बी के मान कितना है दो अपान ए का मान माइनस एक, तो माइनस माइनस कट जाएगा बचे कितना दो बटा एक, और नीचे एक की वैल्यू नहीं होती तो अर्थात कितना आ जाएगा दो। तो फार्मूले से भी दो आया और क्या साधारण तौर पर भी दो आया शून्यकों का योगफल, तो अतः सत्यता में शून्यकों का जो निकला योगफल वो आपस में बराबर आता है सत्य हुए। अब शून्यकों का हम क्या निकालते हैं गुणनफल, तो लिखिए शून्यकों का गुणन फल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आठ दिया गुणते माइनस क्या दिया छः, तो आठ छः कितना हो जाएगा दोस्तों अड़तालीस, माइनस क्या निकलेगा अड़तालीस निकलेगा। शून्यकों का गुणनफल कितना निकला माइनस अड़तालीस साधारण तौर पर। अब हम इसको फार्मूले से निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए। ठीक है, तो C का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 48 और A का मान माइनस एक, जब माइनस एक से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस 48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए साधारण तौर पर शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस 48 और फार्मूले से भी कितना है माइनस 48, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों की योगफल थी आपस में बराबर थे साधारण तौर और फार्मूले से भी, और शून्यकों के जो गुणनफल भेद थे वह आपस में बराबर थे साधारण और उस फार्मूले से भी, तो अतः हम कह सकते हैं सत्यता की जांच जो है वो सत्य हुई आपस में। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य एक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, जो बहुपद दिया रहा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद इसका शून्य क्या दिया एक दिया, यानी एक्स का मान कितना दिया है एक दिया है, और के का हमें क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं, हल करते हैं। तो हल में लिखिए पहले जो बहुपद दिया उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या मान लेंगे जीरो मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ जहाँ x दिया वहाँ क्या रख देंगे एक, तो यहाँ x का एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ x का मान कितना एक प्लस के बराबर जीरो, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से है और k बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो
एक क्या हो गया दोस्तों, दो प्लस के बराबर जीरो। हमें किसकी मान निकालनी है, के की, तो दो को उस तरह पंचांतर कर देंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस दो। इधर प्लस में, इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में, अर्थात हम कह सकते हैं के बराबर क्या निकलेगा, माइनस दो। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। इनके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला समझ लीजिए दोस्तों। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला समझ लीजिए। हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, बगल में क्या, एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन फल बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, हमारा एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, बगल में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर जीरो। यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बगल में क्या निकलेगा, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्य। तो ही आपका फार्मूला निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। ये आपका मेन फार्मूला। ठीक दोस्तों, तो दसवें क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले से हल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो सवाल है उसको हम हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दसवें क्वेश्चन में यही बोला है, शून्यकों का योग क्रमशः दिया, पहला देखिए दसवें का पहला, तो एक बटा क्या दिया है, चार और कामा माइनस एक। ठीक दोस्तों, तो इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो हम हल करते हैं यहाँ से इसको और समझ लीजिए आप लोग बढ़िया से। तो यहाँ से देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, एक बटा चार, यानी शून्यकों का योगफल एक बटा चार है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक। ठीक दोस्तों, ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। आपके सामने आपका फार्मूला रखा गया, तो ध्यान लिखिए, हमें क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, यही फार्मूला होता है, आप इसी फार्मूले पर रख के इसको हल कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अब मान कितना है, एक बटा चार, बगल में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना है, माइनस एक, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस वन अपान फोर एक्स भी ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ बटे में चार दिख रहा है, चार का हम क्या करेंगे, क्रास गुणा करेंगे, तिरियक गुणा कर दीजिए। तो चार का एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही हो जाएगा, चार एक का चार, तो माइनस चार हो जाएगा, बराबर क्या निकलेगा, शून्य, पूरे एक बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो पूरे बटा क्या लिख देंगे, हम चार लिख देंगे। ठीक है, अब हम चार का शून्य में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो लिख देंगे फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद में नीचे हमारा मान नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसको शून्य के पास भेज देंगे। तो शून्य से जब चार का गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, अब फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर बराबर क्या निकल जाएगा, शून्य। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम दसवें का दूसरा देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, दसवें का दूसरा दिया आपको, कर्णी के अंदर दो कामा एक बटा तीन। ठीक दोस्तों, अब जो पहला दिया शून्यकों का योगफल होता है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, तो इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए हल करते हैं। जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट में टू और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बटा तीन। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर शून्य। ठीक दोस्तों, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट में टू बगल में एक्स एक्स लिख दीजिए, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है एक बटा तीन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों शून्य हो जाएगा। अब तीन बटे में ना तो हमारा बटे का हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर आप आंसर लिखना चाहते लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या तो आप इसका क्या करिए तीन का गुणा करिए क्रॉस, तो तीन का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस तीन का इसमें करेंगे तो क्या होगा थ्री रूट में टू बगल में एक्स प्लस वन और पूरे के बटे क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाएगा। जब तिरेक गुणा कर लेंगे तो बटे में पूरे को हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना हम पूरे बटे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तीन का हम शून्य के साथ गुणा करेंगे क्योंकि बटे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट में टू एक्स प्लस वन, तीन का जीरो में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दसवें का तीसरा। दसवें का तीसरा देखिए दोस्तों, दसवें का तीसरा दिया है जीरो कामा रूट में फाइव। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे हल, और हल में लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है शून्य दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है रूट में फाइव दिया है। ठीक दोस्तों, अब आपको द्विघात बहुपद बतानी है, तो द्विघात बहुपद बताने के लिए क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है शून्य दिया है, और गुणते में एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया रूट में फाइव दिया है बराबर क्या निकलेगा दोस्तों शून्य। तो एक्स का शून्य में गुणा होगा तो शून्य आ जाएगा, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस रूट में फाइव बराबर शून्य। ठीक दोस्तों, तो आपका यही पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, सेम दसवें के जैसा है वैसे ही करना है। तो सबसे पहले देख लेते दसवें का ग्यारहवें का पहला, तो ग्यारहवें का पहला दिया है एक कामा एक। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो क्रमशः शून्यकों का योगफल, योगफल क्या निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर एक निकलेगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकलेगा एक निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी एक निकलेगा, ये भी एक निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालना, द्विघात बहुपद बताना है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा बीटा का मान कितना एक गुणे में एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है दोस्तों एक बराबर जीरो। एक्स का एक करेंगे गुणा क्या आएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर क्या निकलेगा जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 11 नंबर का दूसरा, देखिए 11 नंबर का दूसरा है आपका माइनस एक बटे चार कामा एक बटे चार। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हम यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया है, तो दिया है आपका शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है माइनस एक बटे चार, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है एक बटे चार। ठीक दोस्तों, अब को इसको हमें क्या बताना है, द्विघात बहुपद बतानी है, तो लिखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए पहले क्या होता फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस एक बटे चार बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान एक बटे चार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक बटे चार एक्स प्लस एक बटा चार बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों बटे में, तो बटे में हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरा एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा चार, इसके बटे में क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं। ठीक है, एक से अगर हम चार काटेंगे तो कितना आएगा चार ही आएगा, तो चक्की यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों चार एक्स स्क्वायर, चार से चार कट जाएगा तो ऊपर कितना चाहिए एक्स का एक्स प्लस चार, चार कटे कितना चाहिए दोस्तों एक बराबर जीरो। हम चार का क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो चार का जीरो में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, बचे कितना फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा। देखिए दोस्तों चार कामा एक, ठीक दोस्तों, तो 11 का तीसरा देख लीजिए चार कामा एक दिया है, चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, यहां से हमें क्या दिया शून्यकों का योगफल, तो क्या दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर चार हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, तो लिखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, इतना लिखने के बाद आप इसका फार्मूला लिख दीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा मान कितना है फोर बगल में एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः प्रत्येक 10 के बराबर है, दोनों यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें जो भी मान है योगफल शून्यांक और उसका शून्यांकों का योगफल और उसका गुणनफल 10 के बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल क्या है 10 के बराबर है, और द्विघात बहुपद लिख लीजिए। सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या दिया है आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सी। ठीक दोस्तों, तो इनका योगफल और गुणनफल किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो सबसे पहले इनका गुणनफल और योगफल हम 10 के बराबर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे हल करते समय आप ध्यान दीजिए ए का मान कितना दिया है यहाँ पे, ए का मान ए ही है, बी ए और सी का मान हमें यहाँ बताना ही है, यानी यहाँ पे किसका मान बताना ए और सी का मान बताना है, तो सबसे पहले लिखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है दोस्तों माइनस बी अपान ए होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए, और शून्यकों का योगफल कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी 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 का मान कितना मान दिया है दोस्तों माइनस फाइव दिया है, तो माइनस फाइव मान क्या हो जाएगा ए। अब देखिए 10 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी फाइव मान क्या निकलेगा ए, एक अगर हम यहाँ मान निकालेंगे तो ए यहाँ चला जाएगा, या इसका ऐसा गुणा कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ए बराबर पाँच इक्का पाँच हो जाएगा, ए बराबर निकालेंगे तो पाँच बटा क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, तो पाँच इक्का पाँच पाँच दूनी 10, तो ए बराबर क्या निकलेगा ए बटा दो, एक बटा दो। ठीक दोस्तों, ए का मान निकल गया, अब हम बी का मान निकालेंगे सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणन फल बराबर क्या होता है सी अपान ए। ठीक है दोस्तों, तो सी अपान ए होता है, तो गुणन फल कितना दिया है 10 दिया है, सी का मान सी ही रहेगा,
ए का मान क्या निकला है, एक बटा दो। ठीक है, यहाँ देखिए ए का मान कितना निकला है, एक बटा दो। तो लिखिए 10 बराबर, ऐसे 10 बराबर बटे एक बटा कहाँ चलाता है दोस्तों, ऊपर। तो क्या हो जाएगा 2c, जब भी बटे का बटा रहेगा तो हम उसको ऊपर गुणा कर देते, तो 2 का गुणा c में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2c, और नीचे एक, एक का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमें किसका मान निकालना है, सी का, तो दो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, तो सी बराबर कितना निकलेगा दोस्तों 5। ठीक है, तो सी बराबर कितना निकला 5, यही आपका आंसर निकलेगा। तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, एक बटा दो, और सी बराबर क्या निकल जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा छः एक्स माइनस दो के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंधों की सत्यता ज्ञात कीजिए, सत्यापन कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पहले सवाल को करते चले हैं वैसे ही सेम सेम करना है। तो पहले क्वेश्चन दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो वही सत्यता की जांच करनी है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए हल, हल लिखिए, हल के बाद आप क्या करिए, यहाँ से क्रॉस गुणा कर दीजिए छः का। ठीक है दोस्तों, पहले बराबर मान लीजिए इसको, बराबर में जीरो मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू बराबर क्या मान लेंगे हम, जीरो मान लेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे, छः का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, छः एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स का एक में होगा तो एक्स ही रहेगा, और छः दूनी कितना हो जाएगा माइनस बारह बराबर जीरो, और पूरे बटे कितना हो जाएगा दोस्तों छः। अब हम छः का किस में गुणा कर देंगे, जीरो में, तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह बराबर जीरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, अब समीकरण मिल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12 छंग 72, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 72, आपको मन में लेना है, 6 का गुणा किस में करेंगे 12 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 छंग 72। 72 को लिखना नहीं है दोस्तों, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको, इसको मन में लिए रहना है। अब ऐसा पहाड़ा पड़ी, पहाड़ा पढ़ने पे कितना है 12 आए, जोड़ने घटाने में कितना है एक आए, तो 12 कितना हो जाएगा 9 और 72, और 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों एक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं, यहाँ लिखिए 6x स्क्वायर और प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो दो का हम यहाँ बना लेंगे जोड़ा, दो दो का जो जोड़ा बनाएंगे तो इसमें देखिए 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 यानी 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, 3x कॉमन होगा, तो बचेगा कोष्ठक में x प्लस 3 त्रिका 9 माइनस, यहाँ से 4 कॉमन होगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना यहाँ, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दुनिया 2x माइनस 4 दिया 12। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 2x 3 माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इतना समझाएं। अब आपको क्या करनी है, दोनों के अलग अलग शून्य मान लेना बराबर में, तो 2x प्लस 3 बराबर क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 2x बराबर निकालेंगे क्या निकलेगा माइनस 3, x बराबर निकालेंगे तो माइनस 3 अपान 2 निकलेगा। ठीक है, तो यानी x का मान यहाँ एक निकलेगा, एक शून्य निकला, x बराबर माइनस 3 अपान 2, दूसरा शून्य निकालेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 4, इस तरह माइनस में इधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में, x बराबर निकालेंगे तो 4 अपान क्या निकलेगा दोस्तों 3, इसके दो शून्य निकल गए 4 अपान 3 और एक माइनस 3 अपान 2। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाए तो अब हमें क्या करनी होती है, सत्यता की जांच करनी होती है। तो चलिए हम सत्यता की क्या कर लेते हैं दोस्तों, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 6x, या तो यहाँ पे जो निकला था लास्ट में 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यहाँ लिख दीजिए आप, यही लिख दीजिए, लिख दीजिए 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्य। ठीक है, तो इसके शून्य क्या निकले हैं, इसके शून्य निकले हैं माइनस 3 बटे 2 और 4 बटे 3। ठीक है,
इसके दो शून्य निकले हैं। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है। तो लिख दीजिए यहाँ पे शून्यकों का योग फल। सत्यता की जांच करनी है, सत्यापन करनी है, तो लिख दीजिए सत्यापन। सत्यापन करने के लिए यहाँ लिख दीजिए सत्यापन। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या निकला है, माइनस थ्री अपान टू निकला है और प्लस फोर अपान थ्री योगफल निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तीन त्रिक का नौ, माइनस नौ हो जाएगा, दो चौके आठ, माइनस आठ हो जाएगा प्लस में, और तीन दूनी छः। अब क्या करेंगे, नौ में से आठ घटे कितना चाहिए, माइनस एक, और नीचे कितना हो जाएगा छः। ठीक दोस्तों, ये साधारण तौर पर निकला माइनस एक बटा छः। अब हम फार्मूले से निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योग फल। तो शून्यकों का योगफल जब निकालेंगे फार्मूले से तो क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक है दोस्तों, फार्मूला होता है। तो अब देखिए माइनस बी, बी का मान कितना निकला यहाँ पे, अगर देखा जाए तो माइनस कितना है, एक हो जाएगा, एक है, और ए का मान कितना है यहाँ पे, सिक्स। तो क्या निकलेगा, फार्मूले से निकला क्या ना दोस्तों, आपको माइनस एक बटा छः, और साधारण तौर पर भी माइनस एक बटा छः निकला। तो इसका सत्यापन हो गया। अब हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणन फल। ठीक दोस्तों, शून्यकों का तो योगफल निकल गया, सत्यापन हो गया योगफल का। अब गुणन फल का हम सत्यापन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं गुणन फल का सत्यापन कैसे करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणन फल। तो गुणन फल कितना मान निकला था, माइनस थ्री अपान टू निकला था एक शून्यंक, दूसरा शून्यंक निकला था फोर अपान थ्री। तो थ्री से थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा चार। तो माइनस क्या निकलेगा, माइनस दो निकलेगा साधारण तौर पे। अब हम फार्मूले से निकालेंगे शून्यकों का गुणन फल। तो देखिए कितना निकलेगा, लिखिए शून्यकों का गुणन फल बराबर सी अपान ए। तो देखिए सी का मान कितना दिया है, माइनस बारह, और ए का मान छः, तो छः दूनी बारह, माइनस दो आ गया। देखिए यहाँ माइनस दो आया था, यहाँ भी माइनस दो आया, साधारण तौर पर माइनस दो आया था, यहाँ भी फार्मूले से माइनस दो आया। तो यानी इसका सत्यापन हो गया, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल फार्मूले से आपस में क्या है, ये सब बराबर है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौदह है कि गुणन खंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक दोस्तों, सेम 13वें जैसा है। तो चलिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 7y² - 11/3y और -2/3 इक्वल टू शून्य। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हल करते हैं, पहले इसको समीकरण शुद्ध बनाइए, बटे में हटाइए। तो पूरे एक बटे, यहाँ बटे में हम क्या मान लें, पहले 7 क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन 7y² - 11/3y - 2/3 = 0। अब पूरे के बटे हम क्या मान लेंगे, तीन, इसके बटे हम एक मान के एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा तीन, तीन से काटेंगे, तीन से कितना आ जाएगा 21y² - 3 से 3 कटे कितना चाहिए 11y - 3 से 3 कटे कितना चाहिएगा 2 = 0। तीन को हम किसके पास भेज देंगे, जीरो के पास भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 21y² - 11y - 2 क्या निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड बनाइए। अब देखिए 21 का हम दून इसमें गुणा करेंगे, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। 42 को लिखना नहीं होता दोस्तों, इसको मन में लिए रहना होता है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं लिखना है। अब क्या करना है, 21 दूना कितना हो गया 42। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने 42 है, जोड़ने घटाने पे, जोड़ने या तो घटाने पे कितना आ जाए 11। तो 14 त्रिक 42 और 14 में से अगर हम 3 घटाने कितना आ जाए दोस्तों 11 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए 21y² - 14y + 3y - 2 = 0। ठीक दोस्तों, अब हम दो दो का यहाँ पे क्या बना लेंगे, जोड़ा। तो देखिए 7 से 21 कट जाएगा, 7 से 14 भी कट जाएगा, यानी यहाँ पर 7y कामन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम यहाँ से 7y कामन कर लेंगे तो 7 से 7 = 21 और y से 1y कामन हो, 1y बचा है, माइनस 7 × 2 = 14, y1 निकल गया है, प्लस 1 बचेगा यहाँ पे 3y - 2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3y - 2 मिल रहा है, तो 3y - 2 एक कोष्ठक में लिखिए,
अगले कोष्टक में 7y प्लस 1 बराबर क्या मान लीजिए, शून्य मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, हम यहाँ से शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, इनको अलग अलग जीरो के बराबर मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 3y माइनस 2 इक्वल टू क्या, शून्य, अलग अलग शून्य मानेंगे। तो 3y बराबर इस तरह माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, 2y बराबर निकालेंगे तो 2 अपान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, y का मान यहाँ कितना निकलेगा, 2 अपान 3, इसका भी निकाल लेते हैं। तो 7y प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, शून्य। अगर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 7y, एक उस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। वाई बराबर निकालोगे तो माइनस एक बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका 2 शून्य निकल गया। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। अब लिख लीजिए आप यहाँ पे समीकरण आपका क्या था, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 के शून्य। ठीक है, तो इसके शून्य क्या निकले हैं आपका, 2/3 और माइनस 1/7 है। ठीक है, इसके शून्य इतने निकले, 2 निकले शून्य, इतना शून्य, जब शून्य 2 निकल जाएगा तो सत्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ लिख दिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्ता की जांच करेंगे। ए बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 21, बी बराबर निकालेंगे तो माइनस 11 और सी बराबर निकालेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले साधारण तौर पर शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है, पहले क्या है, 2/3 और प्लस माइनस 1/ कितना दिया है, निकला है 7। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 2/3 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 7। इसका गुणा कर लीजिए, 7 × 2 = 14 और 14 माइनस 3 × 3 = 7 = 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल कर लेते हैं इसको, 14 में से 3 घटेगा कितना चाहेगा, 11/21। तो साधारण तौर पर 11/ कितना आ गया दोस्तों, 21 आ गया। अब शून्यकों का योगफल हम किससे निकाल लेंगे, फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो बी का मान कितना है, माइनस है, माइनस 11 अपान ए, ए का मान 21। ठीक दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, 11/ कितना निकल गया, 21। अब देखिए साधारण तौर पर कितना है, 11/21 है, और शून्यकों का योगफल किस में है, फार्मूले से भी 11/21 है, यानी सत्यता की जांच शून्यकों का योगफल में सत्य निकला। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो 2/3 गुणते माइनस 1/7। ठीक है, इसका गुणा करिए, गुणा में हमेशा ऊपर ऊपर को होता है भिन्न में, तो माइनस 2 आ जाएगा, 3 × 7 कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक दोस्तों, अब हम इसको फार्मूले से निकाल लेते हैं, शून्य को का गुणन फल बराबर सी अपान क्या होता है दोस्तों, ए। तो सी का मान कितना है दोस्तों, माइनस 2, ए का मान कितना है, 21। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल जो निकला, साधारण तौर पर −2/21 निकला, और फार्मूले से भी −2 कितना निकल गया दोस्तों, 21। यही हमें क्या करनी थी, सत्यापित करनी थी, यानी सत्यता की जांच करनी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कर्णी के अंदर 2, और शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर −3/2। ठीक है, दिया है, इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए, पहले द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक दोस्तों, शून्यक ज्ञात करके और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखिए हल, हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखिए यहाँ पे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद, और नहीं पता तो हमने बताया भी है इसमें द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हम जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान क्या दिया है करणी के अंदर दो, बगल में एक्स प्लस, और अल्फा बीटा का मान क्या दिया है माइनस तीन बटे दो, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट में टू एक्स प्लस माइनस 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 और थ्री अपान टू इक्वल टू जीरो। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे बटे में जो है उसका पहले हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे टू रूट में टू एक्स माइनस थ्री अपान बराबर जीरो पूरे के बटे कितना दो। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दो को जीरो के साथ भेज देंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, बचे क्या टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट में टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। समीकरण हमारा बन गया। अब आपको क्या करनी है, जब समीकरण बन जाएगा ये आपका पहले द्विघात बहुपद निकल गया, अब इसी द्विघात बहुपद से आपको क्या बतानी है इसके शून्यक बताने हैं, तो चलिए शून्यक बता देते हैं। अब लिखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट में टू एक्स माइनस थ्री, द्विघात बहुपद निकल गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बराबर में जीरो मान लीजिए, अब इसका यहाँ गुणा करिए दो का गुणा इसमें किसमें करें तीन में, दो तीन कितना हो जाएगा छः, छः को दोस्तों लिखना नहीं होता सिर्फ मन में लिए रहना होता है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो दो तिहाई कितना हो गया छः। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर छः है, जोड़ने घटाने में कितना है दो अंडर रूट टू आए, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए दोस्तों टू एक्स स्क्वायर माइनस हम लिख सकते थ्री अंडर रूट टू एक्स माइनस प्लस कर देंगे। ठीक दोस्तों, नहीं तो जुड़ जाएगा, तो रूट में टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा थ्री बराबर जीरो। देखिए इसका अगर हम गुणा करेंगे तीन का तीन, यहाँ इसके पहले एक है, रूट में टू से रूट में टू होगा तो बचेगा रूट में टू, रूट हट जाएगा तो तीन दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों छः, और जोड़ने घटाने देखो तीन में से कर्णी तीन कर्णी के अंदर दो में से एक कर्णी के अंदर दो घटाएंगे तो दो कर्णी के अंदर दो आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे अब दो दो का जोड़ा बना लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें से देखिए अगर हम यहाँ से दोस्तों कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो यहाँ से कर्णी के अंदर हम टू एक्स क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो कर्णी के अंदर टू एक्स हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कॉमन कर लेंगे, जब यहाँ तो कितना बचेगा दो है ना, हम दो को क्या लिख सकते हैं दोस्तों कर्णी के अंदर दो इंटू कर्णी के अंदर दो, तो कर्णी में कर्णी के अंदर दो से कर्णी के अंदर दो में गुणा होगा तो कर्णी हट जाती है, बचता है सिर्फ कितना दो, इसलिए इसमें से कर्णी के अंदर हम दो को क्या लिख दिया कर्णी के अंदर दो इंटू कर्णी के अंदर दो, तो कर्णी के अंदर दो यहाँ भी है कर्णी के अंदर दो यहाँ भी है, तो ये मिल रहा है तो कर्णी के अंदर दो बाहर हो गया, एक कर्णी के अंदर दो बचेगा तो इसको लिख दीजिए कर्णी के अंदर दो, यहाँ से एक एक्स निकला है तो एक एक्स बचेगा तो कर्णी के अंदर दो एक्स और माइनस कितना थ्री। ठीक दोस्तों, प्लस इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे एक कॉमन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो बचेगा कर्णी के अंदर दो एक्स और माइनस तीन बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, अब कर्णी के अंदर दो एक्स माइनस तीन, कर्णी के अंदर दो एक्स माइनस तीन मिल रहा है तो इसको एक कोष्टम कर लीजिए कर्णी के अंदर दो एक्स माइनस तीन, अगले कोष्टक में बचेगा कर्णी के अंदर दो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग बराबर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए इसको हम बराबर कर देते हैं, सबसे पहले लिखिए कर्णी के अंदर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, कर्णी के अंदर टू एक्स बराबर निकालेंगे तीन इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस में, एक्स बराबर निकालेंगे तो तीन बटे कर्णी के अंदर दो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान निकलेगा कितना तीन बटे दो, एक शून्य निकल गया, दूसरा शून्य निकाल लीजिए तो कर्णी के अंदर टू एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से हम एक उस तरफ भेज देंगे तो कर्णी के अंदर दो एक्स बराबर निकले कितना माइनस एक, एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस एक बटा कर्णी के अंदर कितना आ जाएगा दोस्तों दो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स का कितना मान निकला दो, तो हमारे शून्य क्या निकलेंगे एक्स बराबर तीन कर्णी के अंदर दो कामा माइनस एक बटा कर्णी के अंदर दो, यही आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आप बस आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में एक नया चैप्टर लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।